दोस्तों बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सूरज भाई हिंदी सॉन्ग पे वीडियो लेकर के आओ, एंड गाइस अदर लोग बोल रहे हैं कि भाई भोजपुरी सॉन्ग पे लेकर के आओ। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं आखिर किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताओ और आप लोग ही सजेस्ट करो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम अपने डिसाइड पर लेकर के आ चुके हैं ट्रेंडिंग हिंदी सॉन्ग पर वीडियो लेकर के, जो गाइस बहुत ही कमाल होने वाला है। एंड गाइस इसमें मैंने बहुत ही कमाल की फेड भी ऐड किए जो कि आगे आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। सो गाइस प्रीव्यू के लिए आप लाइक कर दीजिए। एंड गाइस हाँ, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, भोजपुरी चाहिए कि हिंदी चाहिए। और गाइस मैं कोशिश करूंगा कि भोजपुरी हिंदी दोनों पे लेकर के आऊं। तो दोस्तों इस प्रीव्यू के लिए आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे गिर गए सर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो उससे पहले गाइस हम लोग प्रीव्यू देखेंगे, लेट्स गो। इस प्रीव्यू में आपने देखा है गाइस बहुत ही कमाल की इफेक्ट के साथ आज के इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। एंड गाइस आपको बीच में जो इफेक्ट दिखा, इफेक्ट के बाद आपको इसमें एक बहुत ही कमाल का वीडियो क्लिप देखने को मिला होगा जो गाइस सैड टाइप का है। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही कमाल को होने वाला है। एंड गाइस ये जो आप प्रीव्यू देखे हैं, आप अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगा कर किस प्रकार की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जो गाइस मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो गाइस इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम गाइस अलर्ट मिशन, या आपको प्ले स्टोर में जाएगा इजीली। एंड गाइस हम आपको बता दें कि आप मेरे टेलीग्राम से विजिट कर लीजिएगा, इसका जो मैंने मोड वर्जन पिंक करके रखा है वहाँ से आप ले देख सकते हैं। एंड गाइस इसमें जितने मेटल यूज होंगे सब आपको देखने को मिल जाएगा, उसे जाके बहुत ही सही से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको मेटल जैसे किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है इसे डाउनलोड करके इसे इंपोर्ट करने में, तो आप उससे नीचे आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा कैसे आप मेरे मेटल को देख करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, लेट्स गो। ओके सो दोस्तों हम अपने अलर्ट मशीन को ओपन कर लेते हैं। गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड गाइस आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको बीट मार्क को ओपन कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपको जिस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा, सबसे पहले गाइस आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपको जो भी फोटो वाला आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इस फोटो को लेता हूं, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। गाइस नेक्स्ट बीट मारने के बाद बच्चों भाग किस प्रकार से कट कर देते हैं। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर मैं पकड़ के इसको स्क्रॉल के नीचे ला रहा हूँ, कुछ प्रकार से आपको नीचे लाना होगा, ठीक है। तो गाइस हम इस प्रकार से नीचे इसको ला दिए, सबसे नीचे लाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गाइस इस पर अभी इफेक्ट लगाना, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आता है। गाइस जो पहला इफेक्ट है इस पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। आपको जो बीट मार्क के इसको इजिली ओपन कर देना है। गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट पर इसको इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। एंड गाइस फिर से आपको अगेन क्या करना है, जो नेक्स्ट बिट पर आना है, फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, सेकंड कोई फोटो अटैच कर सकते हैं। तो गाइस हम इस फोटो को ले लेते हैं, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट बिट को आपको बच्चे भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। सो गाइस कट करने के बाद सिंपली स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है इस प्रकार से, सबसे नीचे गाइस आपको इसको ला कर छोड़ देना है, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो गाइस जो आपका ये लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर ला कर इसको छोड़ देना है। आपका इस पर इफेक्ट कौन सा लगाना है, तो बैक करके हम सेकंड इफेक्ट में आ जाते हैं और आपका जो पहला इफेक्ट है सिंपली इसे कॉपी करना है और गाइस आपको बीट मार्क को ओपन कर देना है। सो गाइस बीट मार्क को ओपन करने के बाद सिंपली आपको फोटो पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कुछ इस प्रकार से ये पेस्ट हो जाएगा। अब गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और गाइस प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और गाइस सेकंड आप कोई फोटो अटैच कर सकते हो। तो हम गाइस इस फोटो को लेते हैं, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, बच्चे भाग को इस प्रकार से कट कर देते हैं। अब गाइस इस पर इफेक्ट कौन सा लेगा, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आ जाएंगे और गाइस यहाँ पर आपको जो देखने मिलेगा इस प्रकार से ये वाला इफेक्ट, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ये कॉपी हो जाएगा। फिर गाइस आपको बीट मार्क को ओपन कर लेना है और गाइस आपको इस प्रकार से फोटो पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ये वाला, इसको सबसे पहले ऊपर में ला के इसको आपको छोड़ देना होगा, सबसे ऊपर में ला के, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये होगा, ठीक है। एंड गाइस फिर आपको नेक्स्ट बिट पर जाना है और यहाँ पर जो मैंने लोकल का मार्क रखा है इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो गाइस प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, सेकंड आप कोई फोटो अटैच कर सकते हैं, इस फोटो को अटैच करते हैं, थर्ड पर क्लिक करके बच्चों आपका कट कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस पर इफेक्ट कौन सा लेगा, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आता है और गाइस जो सेकंड में ये वाला इफेक्ट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस आपका बीट मार्क जो है इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। एंड गाइस जो आपने भी फोटो अटैच किया था सिंपल इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो सो गाइस ये वाला इफेक्ट एंड ये वाला,
ये आपका लगेगा वन बाई वन, यानी कि पहला इफेक्ट इसको दूसरे पे ये लगेगा, फिर तीसरे पे हमारा जो भी किए थे हम इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बीच को कट कर देना, जो आपका पहला इफेक्ट ये लगेगा तो वह इसको छोड़ के फिर इस पे लगेगा, ठीक है। एंड जो सेकेंड वाला है इसको छोड़ करके इस पे लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये लास्ट तक जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। तो कैसे यहाँ पर मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना है, इस फोटो पे क्लिक करना है इस प्रकार से, यानी जो लास्ट में आपका ये लॉन्ग बीट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आपका जो बीट आएगा एक्स्ट्रा वो आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। स्क्रॉल करके आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ऐड वीडियो क्लिप, तो यहाँ पर गाइस वीडियो क्लिप ऐड होंगे, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, इसे आपको देखने को मिल जाएगा, तब डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस मैंने व्हाट्सएप से इस पर लिया था, तो हम इस प्रकार से वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे, ये कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो क्लिप देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आपको जो बीट है इस प्रकार से आपको कट कर देना है। अब गाइस आपको क्या करना होगा वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो गाइस स्क्रॉल करके जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो वीडियो क्लिप ऐड किए थे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको जो नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से एनिमेशन, इस एनिमेशन को सबसे पहले ऊपर में आपको ला के छोड़ देना जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जो आपका एनिमेशन है इसको इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करना है और सबसे ऊपर में ये जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार के साथ यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। फिर आपको नेक्स्ट बीट पर जाना है, एंड गाइस यहाँ पर आपको कौन सी जहाँ पर आपको ऐसा ही इफेक्ट दिखेगा यहाँ पर आपका इफेक्ट प्लस वाला ही लगेगा, तो प्लस पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और गाइस नाम पर क्लिक करेंगे, आपको गैली में जो भी फोटो रहेगा फोटो को चूज कर लीजिएगा। तो हम इस फोटो को लेते हैं, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करते हैं, बच्चे भाग को इस प्रकार से कट कर देते हैं। एंड गाइस जो हमने स्टार्टिंग में इफेक्ट लगाया था सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे और फोटो पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेंगे। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो देखने मिल रहा है एनिमेशन फोटो पे क्लिक करेंगे, इसी इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है, जो नीचे आपको फ्रेम देखने को मिलेगा यानी कि जो आपका लेयर देखने को मिलेगा, ऐसे यहाँ पर आपको जो लेयर देखने को मिलेगा इस लेयर के नीचे आपका ये इस प्रकार से आपका अटैच हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। सो गाइस इतना आप करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो इफेक्ट अटैच होगा सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई फोटो अटैच कर लेना है। तो गाइस हम यहाँ पर फोटो पे क्लिक कर लेते हैं, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, नेक्स्ट बिट को बच्चे बाग इस प्रकार से कट कर लेते हैं। गाइस बाय करके सेग इफेक्ट में आ जाना है, एंड गाइस यहाँ पर आपको एक एनिमेशन दिखाई देगा कुछ प्रकार से ये वाला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क इजीली इसको ओपन कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस इसको ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है। तो गाइस इस वीडियो क्लिप के बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दिया था इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, गाइस आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है यानी कि जो लेयर दिखाई दे रहा है सिंपली प्लस पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और फोटो पर क्लिक करेंगे, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से अटैच करना है। और गाइस जो आपने अभी स्टार्टिंग में इफेक्ट को यूज़ किया था वन बाई वन करके, यानी कि दोस्तों हमारा जो इफेक्ट है ये वाला इफेक्ट हमारा वहाँ पर अटैच होगा कुछ प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, वन बाई वन करके। तो गाइस आप कर लीजिएगा, एंड गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये हार्ट वीडियो क्लिप इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है, फोटो पे क्लिक करना है इस प्रकार से, जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से अटैच कर लीजिएगा, फुल स्क्रीन करना है, नेक्स्ट बीट पर आपको इस प्रकार से कट कर देना है। गाइस जहाँ तक आपका ये हार्ट वाला वीडियो क्लिप रहेगा वहाँ तक आपको इसको मिला दे देना है, ठीक है। ये गाइस इस प्रकार से मिला देने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और इसको इस प्रकार से गाइस नीचे लाना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार से आपका नीचे आएगा जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो गाइस स्क्रॉल करके जब आप नीचे लाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपका नीचे आएगा और आपका ये जो हार्ट क्लिप है इस प्रकार से आपको इसके नीचे देखने को मिलेगा। अब गाइस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो जब ये आप अपने गाइस ये वाला इफेक्ट अटैच किया था कुछ इस प्रकार से ये वाला एनिमेशन के साथ, गाइस ये वाला स्टार्टिंग में आपको दिखा देते हैं ये वाला इफेक्ट, ठीक है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसी को आपको क्लिक कर लेना है और ऊपर में फोटो पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। और गाइस इस प्रकार से कॉपी करने के बाद स्क्रॉल करके आगे जाना है और जो आपका ये हार्ट वीडियो क्लिप आपको दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर जो आप फोटो अटैच करेंगे, ठीक है, आपको इसको अटैच कर देना है। एंड गाइस जो आपका इलेक्ट्रिक एज वाला है इसको दोनों को ऑफ कर देना है, ये कुछ इस प्रकार से गाइस बहुत ही कम मार्क लगेगा। फिर आपको नेक्स्ट बिट पर आना है और लास्ट में आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट को ऐड करना है, इस प्रकार से फोटो को अटैच करना है, फुल स्क्रीन कर देना है और बच्चों को इस प्रकार से कट कर देना है, फोटो पे क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बहुत ही आसान से आपका ये ऐड हो जाएगा। एंड गाइस आपको फिर एक्सपोर्ट करना है, सेटिंग बॉक्स पर क्लिक करिएगा, बहुत ही आसान से आपकी गली में सेफ हो जाएगा।